हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और आज है संडे और काव्या हो रही गुस्सा क्योंकि काव्या को लग रही है भूख। ऐसे दिन बहुत कम देखने को मिलते हैं। राधे राधे, तो सभी को राधे राधे। और जो मेरे लल्ला है ना, वो भी सो रहे हैं। देखो, तो संडे का दिन है तो मैंने सोचा अभी सोने देते हैं इनको, तो मैं नाश्ते वास्ते की तैयारी कर लेती हूँ। काव्या उठा के लाएगी इनको। ठीक है, गुड मॉर्निंग तो बोल दो। गुड मॉर्निंग। तो चलिए चलते हैं, संडे है आज। और आज मैं बना रही हूँ अभी नाश्ते में पोहा। आज तो मैं भी लेट उठी हूँ। तो पिको आया नहीं आज लेट इस पिको ए बिकॉज मैं आपको देखो अंधेरा हो रहा है। और ओह माय गॉड, वो बेटा मेरा पिक्कू तो क्या खा रहा, क्या काट रहा है। देखो 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 इसके कारनामे, देखो देखो इसने क्या करा। देखो ये पूरा कट कर दिया इसने। देखो ये क्या करा, ये क्या करा, ये क्या करा यहाँ पर। हाँ, लाइट्स दिखाती हूँ मैं आपको। देखो देखो इसने क्या करा है। हट तो हट तो, देख यहाँ से, देख क्या करा इसने। ये पूरा इस तरह से कट कर दिया है इसने। क्या हो रहा है पिको, क्यों पिको ज्यादा मस्ती हो रही है ना, ज्यादा मस्ती हो रही है क्या, क्यों हाँ। हाथ चाटते ना हमारे, तो इनको हमसे मतलब डर नहीं लगता है और हमको पसंद करते हैं, तो इनको अच्छा लगता है। जिनको जब अच्छा लगता है ना तभी हाथ चाटते। लेकिन ये इतना नुकसान करता ना मेरा, कभी कभी मुझे बहुत गुस्सा आता है। इसके देखो नाखून कितने बड़े बड़े हो रहे हैं, तो इसके मुझे नाखून भी कटवाने जाना है। कल भी बच्चे बोल रहे थे कि नाखून कटवा के ले आते, इसके इसके नाखून कट जाएंगे ना फिर ये ना। फिर को तेरी पिटाई लगेगी, बहुत ज़्यादा मस्ती करने लग गया है तो, है ना, है ना, है ना, है। चलो आओ, आ जाओ, आओ। देखो रात को ठंडी थी ना, तो मैंने इसके लिए मैंने लगा दिया था चादर, ताकि इसको हवा हवा नहीं लगे। और इतना नुकसान करता ये पिक्कू मेरा, इतना नुकसान करता है, बहुत ज़्यादा। तो अभी तो थोड़ी ठंडी कम हो गई है, लेकिन फिर भी है ना रात में लगती है ठंडी। तो चलिए मैं बना लेती हूँ, इसको धनिया दे देती हूँ। ये धनिया रख रखा, देखो इसको मैंने रात को धनिया दिया था, उसके बाद यहीं पड़ा रहने दिया इसको मैंने। तो बस यहाँ पर काव्या मेरे से बात कर रही थी, पिकू के बारे में बात कर रही थी। और जब ना बच्चों को स्कूल जाना नहीं रहता ना, तब कितनी जल्दी उठ जाते हैं, और जब स्कूल जाना रहता है तब इन लोग को उठा उठा के परेशान हो जाओ। तो बस यहाँ पर मैं ना पोहे का नाश्ता बना रही हूँ। और पोहे किस तरीके से बनाते हैं, देखिए सबका अपना अपना तरीका होता है। मैं किस तरीके से बना रही हूँ वो आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर बस मैं पोहा ले लूँगी, इसको भिगो के रख दूँगी, तो मतलब दो तीन बार अच्छे से पानी से धो लेंगे। और जो पतले वाले पोहे थे ना, उसको तो आप बहुत सेफ्टी से धोइएगा, क्योंकि वो है ना बहुत जल्दी गल जाते हैं। तो यहाँ थोड़े मोटे वाले पोहे थे, इसे मैंने डाला धोने के बाद। लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, नमक, और इसमें मैं डालूँगी शक्कर। ये मिक्स कर दिया है मैंने, और उसके बाद इसमें शक्कर डाल दूँगी। उसके बाद इसको 10-15 मिनट भीगे रहने दूँगी, और फिर एक प्याज डाल के थोड़ा सा तेल डाल के छोक दूँगी। बस सारे काम बाद में करूँगी। और मैं चली गई थी नहाने के लिए, नहा के आ गई हूँ। और उसके बाद मैंने अपना जो है ना रूटीन जो है मेरा, कि मेरे को कुछ पूजा करने जाना है मंदिर, वो रूटीन मेरा रहता है हमेशा। बहुत कम चांस होते जब मैं नहीं जा पाती हूँ, तो बस मैं रेडी हो रही हूँ पूजा के लिए, क्योंकि मुझे मंदिर जाना है पूजा करने। और सभी बच्चे उठ चुके हैं, तो बस वहाँ से आने के बाद मैं नाश्ता बनाऊँगी। यहाँ पर बाल बनाने के बाद मैं इस तरह से बालों को नीचे से उठा लेती हूँ, ताकि बाल इधर उधर नहीं भगे। और झाड़ू में भी क्या रहता है कि झाड़ू के साथ लगाते हैं ना, तो बाल झाड़ू में इकट्ठे हो जाते। तो बस मैं चलती हूँ किचन में। काव्या को पढ़ी है डांट, क्योंकि पढ़ाई नहीं कर रही थी, और कल इसका पेपर है, तो इसको पढ़ी अच्छी लपक के डांट। और अभी मैं आके पानी गर्म कर दूंगी, मैं पूजा कर लूँ।
नहाने की जिद्दी कर रही थी तो मैंने कहा पहले मैं पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद तुम्हारा पानी रख दूंगी। तो बस पानी का क्यों स्विच ऑन करना रहता है, लेकिन फिर भी डर रहता है बच्चों का करंट वरना लग जाए। तो बस यहाँ पर मेरी लल्ला की पूजा हो गई थी, लेकिन एक काम मुझे आ गया था मंदिर से आने के बाद। तो यहाँ पर ये जो प्लम्बर जो अपना काम कर रहा है ना, उसको सामान चाहिए, क्योंकि नल वल की फ़िटिंग तो कर दी थी उसने, लेकिन जो शावर वावर की फ़िटिंग थी ना वो रह गई थी। तो बस उसी के लिए मुझे फ़िटिंग चाहिए थी, क्योंकि ये सामान इतने महंगे आते हैं ना और इनको संभाल के रखना जरूरी रहता है। तो इनको मैंने मकान पे नहीं रख के, इनको यहीं पे मैंने घर में रख लिया था जहाँ रहती हूँ मैं वहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर सेफ रहते हैं, वहाँ पर कौन ध्यान रखेगा। इस वजह से मैंने इनको यहीं रख रखे थे। तो बस वही देख रही हूँ मैं कौन कौन सा सामान है। और अभी फिर से इतना महंगा सामान आया था, नल इतने महंगे महंगे आते हैं ना, फिर भी मैंने बजट को देखते हुए नलों को बिल्कुल हिसाब से लिए हैं। जहाँ रेंट वाले एरिया है ना, वहाँ पर मैंने अलग ही तरह के नल लिए हैं, वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी अलग से एक वीडियो। तो यहाँ पर देखिए, ये मैंने बनाया था प्लास्टर ऑफ पेरिस से, लेकिन ये भी अधूरा रह गया है, क्योंकि इसका जो स्टार्टिंग का वीडियो ना वो डिलीट हो गया था, इस वजह से इसको मैं अपलोड ही नहीं कर पाई। और यहाँ पर ये नल का सारा सामान मुझे मिल गया है, वो दे दुआ के आई हूँ मैं। उसके बाद यहाँ पर मुझे फिर दूसरा काम आ गया है, और वो है प्रांजल का सूट सिलना। तो ये सूट जो है ना, वो काफ़ी समय से पड़ा है, यानी कि हम लोग कश्मीर टूर पे गए थे ना, उस समय से पड़ा हुआ है। तो इसको सिलना है मुझे, और इसको कब पहनना वो आप लोग के साथ आगे नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी जब ये पूरा बन जाएगा। तो बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर थे, हम लोग सभी एक एक सूट लेके आए थे वहाँ से। तो प्रांजल को ये येलो वाला अच्छा लगा था, और इसमें जो वर्क हो रहा है ना, ये हैंड वर्क हो रहा है, हाथ से वर्क हो रहा है, और काफ़ी बड़ा ये है ना सूट का पीस था, मतलब 5 मीटर समझ लीजिए, ये इतना मतलब फुल था, और इसकी चौड़ाई भी काफ़ी अच्छी थी। तो मतलब बहुत कम मिलते हैं इस तरह की लंबाई चौड़ाई वाले सूट, और कहीं हम जा रहे हैं वहाँ से तो बहुत टेंशन रहती है ख़रीदने में। तो बस इसकी स्टिचिंग करनी है, सिलाई सॉरी सबसे पहले तो कटिंग ही करनी है इसकी, उसके बाद इसको सिलूंगी। तो ये पूरा वीडियो जो है ना, ये मेरे आपको जो मेरा नेक्स्ट चैनल है ना उस पर मिलेगा आपको देखने को। तो बस यहाँ से मैं निकल जाती हूँ, सारा सामान लेकर आ जाती हूँ आगे हॉल में, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा व्यवस्थित मेरी कटिंग हो जाएगी। तो इसका फुल कटिंग का वीडियो आपको HTM फैशन एंड आर्ट बाई गायत्री, जो मेरा रेसिपी ओ सॉरी जो सिलाई का चैनल है ना, वहाँ पर आपको मिलेगा। तो ये देखिए, बस मैं इसको कट कर लेती हूँ, और कटिंग करते करते भी है ना एक हादसा हो ही गया था, उसकी वजह से मुझे इसको बैठे रहना पड़ा। हादसा कौन सा हो गया था? लाइट चली गई, देखिए अंधेरा हो गया है, तो अंधेरे में ही मैं इसमें निशान लगा रही हूँ। और मैंने तो सोचा था कि लाइट आएगी नहीं, लेकिन है ना थोड़ी देर बाद ही लाइट आ गई थी। तो और सिलाई करते करते देखो एक और काम आ गया मेरे को, कि मुझे ब्रश देखना है पेंटर के, कि कितने ब्रश अपने पास रखे हैं, पतला वाला ब्रश है कि नहीं 3 नंबर का। तो वो देखने के लिए मुझे फिर से अपने काम को छोड़ना पड़ा, और यहाँ पर वो 3 नंबर वाला ब्रश नहीं था। तो इन्हीं का कॉल आया था, तो उन्होंने बोला था कि चेक कर लो एक बार, तो ये नहीं था, मैं वही चेक कर रही थी। ये सारे है ना थोड़े मीडियम साइज़ के ब्रश थे, जो विंडोज़ पे पेंट होगा ना उसके लिए। तो इसमें मुझे नहीं मिला, तो मैंने मना कर दिया उनको कि नहीं है, तो वो शायद लेके आएंगे, क्योंकि जो टेक्चर है ना वो देना है, तो टेक्चर के लिए शायद मुझे लगता है जो बारीक ब्रश है ना उसकी ज़रूरत रहेगी। तो बस यहाँ पर मैं सोच रही थी कि मुझे इस काम को रोकना पड़ेगा, लेकिन नहीं, लाइट आ गई थी, तो फिर मेरा काम कंटिन्यू रहा ये। और उसके बाद मैंने पूरा इस पर मेज़रमेंट लेके साथ में इसकी कटिंग भी कर ली थी। तो ये सूट है ना, काफ़ी दिनों से प्रांजल पीछे पड़ रही थी कि मम्मा सिल दो सिल दो सिल दो, और मेरे काम ऐसे ना कि मुझे एन टाइम पे ही सिलने की आदत है, यानी कि इसको 16 तारीख को इसकी ज़रूरत है, और मुझे आज मतलब 14 तारीख को इसकी मैंने कटिंग करी है, और आज आप लोग के साथ में शेयर कर रही हूँ, और ये आज ही 15 तारीख को ही सिलने में आएगा। तो बस इसकी मैंने है ना कटिंग करी 1,000 में नहीं, ये 1,000 हो गए ना। काव्या की पॉकेट मनी देख रही, काव्या कितनी हुई है, तो उसके उसमें से मैंने 500 रुपये निकाल लिए थे, तो बोल दो हाँ मेरे 1,000 रुपये कहाँ गए, 1,000 रुपये कहाँ गए। तो फाइनली है ना इसका सूट कट गया है प्रांजल का, और ये सूट मैंने क्यों बना रही हूँ, इसकी रिक्वेस्ट क्यों है इतनी बनाने की, इसको कॉपीराइट आ जाएगा। एक वीडियो में बस है ना रिंगटोन आई है मोबाइल की और कॉपीराइट आ गया। फाइनली इसका सूट मैंने कटिंग कर लिया है, अब इसको स्टिचिंग करना है। का फुल वीडियो एक अलग से ही आएगा, जो ये मैं सिलाई करती हूँ ना, इसका मेरा एक चैनल अलग है HTM फैशन एंड आर्ट बाई गायत्री, उस पर अपलोड करती थी मैं। और वो चैनल अभी मेरा डिमोनेटाइज हो गया है, क्योंकि उस पर वीडियोज़ अपलोड ही नहीं हो रहे थे 1.5-2 साल से, मैंने मकान में काम शुरू करा था तब से है ना। इसको मैं अभी सिलूंगी, जितना अभी हो सके उतना अभी सिलूंगी, नहीं तो अभी थोड़ी देर में रेस्ट करूंगी और एक शॉर्ट वीडियो अपलोड करूंगी, वो
इसकी एक इसकी पहले ही आ जाएगा, ये वीडियो जो अपलोड करूँ उसके पहले शॉर्ट वीडियो आ जाएगा। तो आज मैंने शॉर्ट वीडियो अपलोड नहीं करा, मेरा क्या वीडियो अपलोड करने का टाइम भी फिक्स नहीं है, जब टाइम मिलता है तब करती हूँ। और अभी इसको मैं कटिंग करके बैठी हटी, मतलब एक आधा एक घंटा लग गया, उस बीच में काम भी रहता दूसरे। तो चलिए मिलती हूँ मैं आप लोगों से, आगे देखते हैं आप लोगों के साथ और क्या शेयर कर पाती हूँ मैं।